एक्सप्रेस न्यूज। संबल के बहजोई में रहने वाली उमा देवी पत्नी प्रदीप कुमार निवासी सुनार गली पुराना बाजार बहजोई सुबह 11 बजे अपनी दुकान की छत पर लड़कियों के लिए सिलाई का कार्य सिखा रही थी। तभी उसके देवर विनोद, जेठ पवन, पुत्र ओम प्रकाश, संतोष पत्नी विनोद छत पर गाली गलौच और मारपीट करने लगे। साथ ही तिरपाल भी फाड़ दिया गया। इसी के साथ कुछ सिलाई मशीनों में नुकसान किया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित द्वारा थाने में पहुंचकर थाना बहजोई इंस्पेक्टर वहीद खान से न्याय की गुहार लगाई गई है। इतनी हिम्मत जो तुमने पार्टी यहाँ रख दी, इस चक्कर में लड़ाई हुई थी, जीने में चढ़ने तो तिरपाल फाड़ दिया मेरा सारा। तिरपाल फाड़ने के बाद में फिर जो है मशीन है इधर उधर गिरा दी, लड़कियों के पैरों पे पैर रख के और लड़कियों को मारा और यहाँ से भागो, यहाँ से डंडा मारूंगा तुम यहाँ पर एक भी आई तो, और सिलाई यहाँ सिखाई तुझे मारूंगा। एक जेठ आ गया पवन है और एक विनोद, उसकी लुगाई भी आ गई, यहाँ नहीं सिखाएगी सिलाई बताइए। मतलब मैं अगर मैं सिखाती हूँ अपने बच्चे, मेरा आदमी कमजोर है, मेरा आदमी काम नहीं करता तो मैं करती हूँ और छत के ऊपर कर रही हूँ। गली तो कोई बुलाई है तो मुझे बताइए, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ ये बताओ मुझे। मैं आज 20 साल हो गए, मुझे 1 साल नहीं 20 साल हो गए आज मुझे परेशान होते होते बताइए। एक दिन नहीं हुआ मुझे, बहुत मैं परेशान हूँ। मेरा आदमी सीधा है तो मुझे ही परेशान कर लेते हैं ये लोग, कभी किसी ने कभी किसी ने मुझे मारते पीटते हैं, बताओ नहीं कह रहे। अब देखिए कोई भी नजारा यहाँ से, अब बता बोलो तो सी हो जाती है, अब मैं जाऊँगी ना तो मुझे गाली देंगे।